नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदीप मजुमदार है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो दोस्तों आपको लाभदायक होगा। हम ये वीडियो दूसरों को अवेयर करने के लिए और सतर्क रहे और ये जितने प्रोफाइल्स हम दिखाए हैं इनको देखें और इनको कोई भी किसी के भी लिस्ट में हो तो उनको ब्लॉक करें तुरंत और रिपोर्ट करें। ये हमारा सबसे पहला रिक्वेस्ट है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों देखिए, ये आए दिन देखा जा रहा है, ये जो फेक आईडीज का चक्कर है और ये ब्लैकमेलिंग का जो मैटर है, ये बहुत जनों के साथ हो रहा है। तो हम सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आईडीज में देखिए कुछ कुछ बातें हैं जो हमको नोट करना है। जैसे फुल आईडी कंप्लीट ना हो, प्रोफाइल कंप्लीट ना हो तो एक्सेप्ट ना करें। अगर करते हैं तो सबसे पहला सिम्टम्स, हर बीमारी का एक सिम्टम्स होता है, तो इस बीमारी का इन लोगों का एक ही सिम्टम्स है कि मैसेंजर के माध्यम से आपको दो बात करते साथ तीसरी बात में आपका व्हाट्सअप नंबर पूछेंगे। तो वही नंबर पूछते हैं तो कोई उसका कोई मीनिंग होगा, कोई मतलब होगा। बिना मतलब का और बिना स्वार्थ का पत्ता भी नहीं हिलता है आजकल के डेट में, तो एक पता हिलने के लिए भी हवा कारण होता है। उसी तरह से हर चीज़ का एक कारण होता है। ये लोग आपको ना जानते हैं ना पहचानते हैं, फिर भी व्हाट्सअप नंबर लेते हैं, वीडियो कॉल करेंगे डायरेक्टली। तो मैसेंजर में भी वीडियो कॉल का ऑप्शन आता है। आप अगर उनको वो ऑप्शन दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, व्हाट्सअप में ही आने को कहेंगे, आपको इंसिस्ट करेंगे। यहीं पर जो है डाउट होता है। तो इस तरीके का कोई अगर फेक आईडी से आप लोगों को अप्रोच होता है, हम ये सख्त आग्रह करेंगे, हर किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस आईडी को इग्नोर ना करें, बकायदा अपना नंबर शेयर करें। शेयर करने के बाद वीडियो कॉल आप रिसीव करें। जब वो वीडियो कॉल रिसीव करेंगे, आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जैसे अपना साइड में जो वीडियो है उसको पॉज करके रखें। अब इतने बड़े स्क्रीन में आप जैसे हमको देख पा रहे हो, अगर आप नहीं पॉज करोगे तो वो तरफ आपको देख पाते हैं, तो आप पॉज करोगे तो ब्लर आता है। मैक्सिमम कुछ कुछ गैंग्स जो है अपने वीडियो ब्लर करके रखते हैं, तो वो लोग वही करते हैं। और कुछ कुछ जो है एकदम फ्रंट में आके पूरा शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ करने के बाद वही चीज़ जो है आपके खिलाफ यूज़ करते हैं। तो हमको आपसे, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी जो है इस चीज़ों को इग्नोर करिएगा, बस रिकॉर्डिंग करिए, अपने प्रोफाइल में छोड़िए, ताकि दूसरे अलर्ट हो सके और वो पर्टिकुलर आईडी अगर दूसरे के प्रोफाइल में हो तो देख करके आपके हेल्प से वो उनको ब्लॉक कर सके। हो सकता है कि आप अगर इसको रिवील नहीं करोगे तो दूसरे इसका शिकार होंगे। हमें बस इतना करना है, कोई भी आईडी का डाउट, आईडी के ऊपर हमको अगर डाउट हो तो उसको थोड़ा सा छेड़खानी करिए, अगर वो खुद की तरफ से नहीं करता है तो। अगर खुद की तरफ से छेड़खानी करता है तो उस छेड़खानी को एक्सेप्ट करिए। वो छेड़खानी एक्सेप्ट करना अच्छी बात होगी। एक्सेप्ट करने के बाद उस प्रोफाइल को रिवील करिए पब्लिक के सामने। किस तरह से करेंगे? अपने प्रोफाइल में आप पोस्ट कर दीजिए, फेसबुक में करिए, सॉरी ट्विटर में करिए, इंस्टाग्राम में करिए, व्हाट्सअप में करिए, ताकि दूसरे सतर्क रह सके दोस्तों। क्योंकि इस तरीके का घटना जो है आज आए दिन हो रहा है और बढ़ रहा है, कम नहीं रहा है। और इसमें साइबर क्राइम अवश्य इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप साइबर क्राइम को इस आईडी को भेज करके और जो व्हाट्सअप नंबर से फ़ोन आता है वो नंबर भेज करके आप कोशिश कर सकते हैं कि कुछ ले, क्योंकि साइबर क्राइम के साथ बहुत के पास बहुत एडवांस्ड जो है इक्विपमेंट्स होते हैं ट्रेस ट्रैक करने का, तो वो लोग कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि हमारे को ये जो हमारे एक युवा हमारे वहाँ का जो विक्टिम हुए हैं वो कुछ पैसे इन्वेस्ट कर भी चुके हैं, करने के बाद भी मानेंगे नहीं, 36,000 दे चुके हैं भाइयों, उसके बाद भी जो है अभी भी पैसा पूछा जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, ब्लैकमेलर्स कभी पैसा पूछना बंद नहीं करते, और ये लोग जो है छोटे मोटे चीप ब्लैकमेलर्स है जो कुछ थोड़ा बहुत इक्विपमेंट्स के द्वारा हैक वगैरह करके जो है सब करते हैं। आपको थोड़े थोड़े करके ये इस तरह करता रहेगा, क्योंकि एक बार पैसा देने का मतलब है कि उनको पता चल जा रहा है कि आप में वीकनेस है, तो उसी वीकनेस को पकड़ के आपको रेगुलर वाइज ये करते रहेंगे, जैसा अब इस बंदी के साथ हो रहा है। तो पैसा ना दे, एक बार दे दिए तो फिर आप फंस गए। और पैसा देने के अलावा आप पैसा देने के बजाय एक काम करिए, अपने प्रोफाइल में पोस्ट करिए पूरा डिटेल। जैसे मेरे साथ हुआ था, एक शायद एक मिनट का वीडियो था, तो हमारे को उस तरह बोला गया था प्रोफाइल का स्नैपशॉट लेके कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हम जो गलत नहीं थे, हम कुछ ऐसे किए नहीं थे, तो हमने देखा कि हमारा वीडियो फुली एडिट किया गया है, खाली मुंडी हमारा है, बाकी सब हमारा नहीं है। तो हम क्या किए, सारे चीज़ों को जो है वो जो हमको वीडियो भेजी थी सारे कुछ अपने प्रोफाइल में पोस्ट कर दिए डिटेल के साथ कि भैया ऐसा है वैसा है, क्योंकि हमें पता है, फ्रेंड्स फैमिलीज हमें जानते हैं हम कैसे हैं। तो अगर वो देखने के बाद हम पर डाउट करेंगे या फिर हमको दूसरी नज़र से देखेंगे तो आई डोंट गिव अ शिट, बिकॉज इफ दे नो दे वोंट बी डूइंग दैट। ठीक है, हमको पैसा नहीं देना है, हमको किसी के जाल में फंसना नहीं है। और कुछ बातें हैं दोस्तों कि देखिए, इस तरीके के लोगों से और इस तरीके के प्रोफाइल से दूर रहिए। आपको बिना कोई कारण बिना कोई वजह अगर कोई बोलता है कि व्हाट्सअप नंबर दीजिए वीडियो कॉल करेंगे, तो भैया मैसेंजर में भी वीडियो कॉल का ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ कुछ जो है गाइडलाइंस होता है हर एक साइट का। तो व्हाट्सअप में ये लोग आते हैं, व्हाट्सअप में ही करते हैं। आप नंबर मत दीजिए, ये नहीं बोले, नंबर अवश्य दीजिएगा। देने के बाद अपना साइट का वीडियो पॉज करिएगा, तो जितना भी एक सेकंड का भी कन्वर्सेशन हो पॉज देख के आपका फोन काट देगा दोस्तों, आई एम डैम श्योर। हम ये बिफोर टू वन सेवन और एट डेज बिफोर ओनली हमारे साथ एक प्रोफाइल का हुआ था, हम उसको भी रिकॉर्डिंग किए हैं, रिवील करेंगे। तो हम ये क्यों करते हैं? ये हमारे ओन इंटरेस्ट से करते हैं। कोई भी प्रोफाइल पे हमको डाउट होता है तो या तो हम उसको उंगली करते हैं या फिर वो हमको उंगली करता है। जो चीज़ रिवील होता है वो हम इस तरह से फ्लैश आउट करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि दूसरे उस प्रोफाइल से बचे। आप लोग भी वही कीजिएगा, डरिएगा मत, पैसा मत दीजिएगा, बस उनको जो फ़ायदा उठाते हैं जिस चीज़ से, आप समझ रहे होंगे मैं ओपनली नहीं बोल सकता, तो वो चीज़ मत करिएगा, है ना। अपना थोड़ा दिखाइए, फेस दिखाइए, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सबसे अच्छा होगा अपना वीडियो पॉज करें और उस प्रोफाइल को रिवील करें। डोंट पे इवन ए सिंगल पेनी,
नो नीड टू अफ्रेड ऑफ दोस उसका गैंग का कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों, बस आप थोड़ा दूसरों को अलर्ट करिए, आपके सामने अगर इस तरह कुछ आता है तो आप दूसरों को अलर्ट करिए, बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे। वीडियो में फिर से मिलेंगे, धन्यवाद। आप सभी का सेफ रहिएगा, डिस्टेंस मेंटेन करिएगा, गाइडलाइन जो भी इशू हो रहे हैं और होंगे उसको आप लोग फॉलो करिएगा। तो थैंक यू।